जिला राजनपुर में सैलाब से 153 सरकारी स्कूल मुतासिर हुए, जहां तालीमी सरगर्मियां तहाल मुअत्तल हैं। इस पर बात करते हैं यासिर इकबाल से। यासिर, बताइएगा तालीमी सरगर्मियां कब तक मुअत्तल रहेंगी? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त फाजलपुर में मौजूद हूँ, जहां पर सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। ये इस वक्त गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हूँ, जहां पर रिलीफ कैंप कायम किया गया था मुतासरीन सैलाब के लिए, जिसे महफूज जगह समझा जाता था। लेकिन जो सैलाब है वो सैलाबी पानी हिफाजती बंदों को तोड़ता हुआ यहाँ रिलीफ कैंप में पहुंचा था और फाजलपुर शहर में दाखिल हुआ था। ये आप देखेंगे, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा, ये जो स्कूल का फर्नीचर था इसे कमरों को रिलीफ कैंप में तब्दील किया गया था और ये जो फर्नीचर बाहर निकाला गया था। लेकिन जब सैलाबी पानी जो आया, वो ये जोहड़ है उसके अंदर ये फर्नीचर डूबा हुआ है, जो बिल्कुल जाया हो रहा है। ये और तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। यहाँ पे एक टीचर मौजूद हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, हम इनसे बात करेंगे ये कब पानी आया और कितने अरसे बाद ये दोबारा ये स्कूल अपने असल हालत में आएगा, बच्चों की तालीमी सरगर्मियां बहाल हो सकेंगी। जी सर, बताइएगा इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद इरफान मेरा नाम है, SST केमिस्ट्री हूँ। सर, 20 अगस्त को यहाँ पे जो पानी आया था तकरीबन 1,70,000 क्यूसेक, तो क़यामत सुग्रा से कम नहीं था। हुकूमत से ये अपील है, ये उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदा रा 2200 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और तकरीबन 2200 लड़कियाँ जो फीमेल स्कूल है पीछे, ये मुतासिर हो रहे हैं, इनका तालीमी सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप काइंडली हमारे इदारे को, हमारे इस मादर इल्मी को बहाल करें। हमारी जैसे कि इस स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर का ये मुतालबा है, इस स्कूल को फौरी तौर पर इसकी जो रेनोवेशन की जाए, इसको तालीमी सरगर्मियां बहाल की जाएं, ताकि जो तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल हैं, जो तालिबे इल्म बाहर हैं, वो इस स्कूल में आकर तालीमी अपना सिलसिला जारी रख सकें। जी यासिर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट के आगे बढ़ते हुए।